तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे शक्ति। मेरा परिवार और मेरा बेटा तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। काश मैं तुमसे कभी मिला ही नहीं होता। आप वो सौतेली मम्मी को फिर से नहीं लाओगे ना? वो इस घर से चले गए ना? बताओ ना पापा। हाँ बेटा, वो तो वैसे भी जा ही रही है। इनफैक्ट अभी तक तो चली भी गई होगी। अब तुम्हें भी वापस जाना होगा पड़ी अपने हॉस्टल। पापा, जब मैंने सौतेली मम्मी के बारे में सुना कि सौतेली मम्मी की वजह से राजा दशरथ की डेथ हो गई, तो मैं डर गया और वहां से भाग आया। प्लीज मुझे मत भेजो। देखो कार्तिक, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। रोते नहीं है, ठीक है? हॉस्टल तुम्हारी पढ़ाई के लिए बहुत अच्छी जगह है, बेटर जगह है, इसलिए तुम्हें वापस जाना ही होगा। पापा प्लीज, मुझे नहीं जाना हॉस्टल। मैं वहाँ बहुत लोनली फील करता हूँ। प्लीज। मम्मा, मुझे हॉस्टल नहीं जाना, मुझे पापा के साथ ही रहना है। मुझे वहाँ पे अच्छा नहीं लगता है पापा के बिना। प्लीज कुछ मैजिक करो, प्लीज। पापा को भी बड़ी चाहिए, पर मैं तुम्हें यहां नहीं रख सकता बड़ी, क्योंकि पापा तो प्यार करते हैं ना, हर्ट नहीं करते। और मुझे डर है कि कहीं मैं तुम्हें हर्ट ना कर दूं। जो भी मेरे बहुत करीब आता है ना, सबको हर्ट कर देता हूं, इसलिए आई एम सॉरी। आई एम रियली सॉरी। शायद तुम और मैं अब कभी एक नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जिससे सोचा था कि वो हमें एक करेगी, वो धोखेबाज और झूठी निकले। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे शक्ति। मेरा परिवार और मेरा बेटा तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। काश मैं तुमसे कभी मिला ही नहीं होता। डाउनलोड कीजिए Z5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।